हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है यू ओनली लिव ट्वाइस। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो करते हैं शुरू। मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिकन नासा स्पेसक्राफ्ट जुपिटर 16 से, जिसे एक अनआइडेंटिफाइड स्पेसशिप ने ऑर्बिट से हाईजैक कर लिया होता है। यूएस सस्पेक्ट करता है कि ये सोवियत यूनियन का काम है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट जापान के सी में लैंड करने के बाद ब्रिटिश जापानीज इन्वॉल्वमेंट को सस्पेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए MI6 ऑपरेटिव जेम्स बॉन्ड को टोक्यो भेजते हैं। अपने डेथ का हांगकांग में नाटक करने के बाद और HMS 10 बाय से सी में ब्यूरी करने के बाद एक सुमो टूर्नामेंट को अटेंड करते वक्त जापानी सीक्रेट सर्विस एजेंट अक्की बॉन्ड के अप्रोच करती है, जो उसे लोकल MI6 ऑपरेटिव डिक्को हेंडरसन से मिलाने के लिए लेके जाती है। हेंडरसन क्लेम करता है कि उसके पास स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड क्रिटिकल एविडेंस है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, एक हिटमैन ने उसे मार डाला। बॉन्ड उस पर हमला करने वाले को मार डालता है और उसके कपड़ों को छिपने के लिए ले लिया और उसे गेटवे कार में ओसाटो केमिकल्स लेके जाता है। पहुंचने के बाद बॉन्ड ने ड्राइवर को अपने कंट्रोल में कर लिया और कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ओसाटो के ऑफिस लॉकर में एंटर करता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद सिक्योरिटी बॉन्ड का पीछा करते हैं और अकी उसे बचा लेती है, जो एक सेक्लूडेड सबवे स्टेशन की ओर भाग जाते हैं। बॉन्ड उसका पीछा करता है, लेकिन एक ट्रैप डोर से नीचे गिर जाता है, जो रास्ता जापानी सीक्रेट सर्विस के हेड टाइगर टनाका के ऑफिस की तरफ जाता है। डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है। उसमें कार्गो शिप निंगपो की फोटो है, जिसमें एक माइक्रोडॉट मैसेज है जिसमें कहा गया है कि फोटो लेने वाले टूरिस्ट को सिक्योरिटी प्रिकॉशन के लिए मार दिया गया है। बॉन्ड पोटेंशियल बायर के रूप में ओसाटो से मिलने के लिए ओसाटो केमिकल्स में वापस जाता है। ओसाटो बॉन्ड का मजाक उड़ाता है, लेकिन उनकी मीटिंग के बाद वो अपने सेक्रेटरी हेल्गा ब्रांड को उसे मारने का ऑर्डर देता है। दोनों स्पेक्टर एजेंट हैं। बिल्डिंग के बाहर अक्यू से फिर से बचने से पहले मर्डरर्स ने बॉन्ड पर गोली चला दी। बॉन्ड और अक्की को जाते हैं जहाँ निंगपो को डॉक किया गया है। वो कंपनी के डॉक फैसिलिटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि एक शिप रैकेट फ्यूल के लिए एलिमेंट्स की डिलीवरी कर रहा था। उन्हें ढूंढ लिया जाता है, पर जब तक अक्की भाग नहीं जाती तब तक बॉन्ड हेजमैन से बच निकलता है। हालांकि बॉन्ड को पकड़ लिया जाता है। जब वो उठता है और उसे निंगपो पर ब्रांड के केबिन में टाई किया हुआ होता है। बॉन्ड को सेड्यूस करने से पहले ब्रांड उसे इंटोरोगेट करती है। ब्रांड अगले दिन बॉन्ड को टोक्यो ले जाती है, लेकिन रास्ते में वो प्लेन में आग लगा देती है। बॉन्ड को उसके सीट पर सील कर देती है और बाहर निकल जाती है। बॉन्ड प्लेन को लैंड करता है और एक्सप्लोड होने से पहले भाग जाता है। ये पता लगने की बात कि निंगपो को कहाँ लोड किया गया, बॉन्ड क्यू द्वारा बनाए गए एक आर्म्ड ऑटोगायरों में एरिया के ऊपर से फ्लाई होकर जाता है। वोल्केनो के पास बॉन्ड पर 4 हेलीकॉप्टर द्वारा हमला किया जाता है और वो उन्हें हरा देता है, जिससे पास के बेस पर उसके सस्पेशंस का कंफर्मेशन होता है। एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट को एक अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट द्वारा ऑर्बिट में कैप्चर किया जाता है, जिससे US के साथ टेंशन बढ़ जाता है। मिस्टीरियस स्पेसशिप वोल्केनो के अंदर हिडन बेस में लैंड होता है, जो ऑन ग्लोफेल्ड ऑफ स्पेक्ट्रा ऑपरेट करता है। सोवियत अमेरिकन वॉर स्टार्ट करने के लिए एक ग्रेट पावर द्वारा हायर किया गया है। बॉन्ड को ना मारने के लिए ब्लोफेल्ड ने ओसाटो और ब्रांड को अपने क्वार्टर में बुलाया। ओसाटो ब्रांड को ब्लेम करता है, जो चली जाती है। ब्लोफेल्ड उसे पिरानास से भरे पूल में गिरा देता है। क्योटो में बॉन्ड टनाका के निंजास के साथ ट्रेनिंग लेकर और जापानीज डिस्किल्स लेकर आइलैंड की क्लोजर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिपेयर करता है, जिसमें एक एमा ड्राइवर नाम की एक स्टेज मैरिज भी इंक्लूड है। बॉन्ड को टारगेट करने वाले एक्सपेक्टर द्वारा अकी को पॉइजन देकर मार दिया जाता है। उसका इंट्रोडक्शन तनाका के स्टूडेंट किजी सुजुकी से होता है, जो कि उसके वाइफ का रोल करेगी। किसी के लीड में पेयर फॉस्गिन गैस से ट्रैप्ड एक केव और उसके ऊपर वोल्केनो का पता लगाते हैं। वोल्केनो के माउथ सीक्रेट रॉकेट बेस का एक छिपा हुआ एंट्रेंस है। बॉन्ड फिसल जाता है जबकि किस तनाका को अलर्ट करने जाती है। बॉन्ड कैप्चर अमेरिकन और सोवियत एस्ट्रोनॉट्स का पता लगाता है और उन्हें फ्री कराता है, और उनकी हेल्प से स्पेक्ट्रेस स्पेसक्राफ्ट बर्ड 1 में एंटर करने के लिए एक स्पेस सूट चुराता है। हालांकि ब्लोफेल्ड बॉन्ड को स्पॉट करता है, जिससे बर्ड 1 का लॉन्च होने के टाइम डिटेन किया गया।
बॉन्ड को कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं, जहाँ वो ब्लोफील्ड से मिलता है जो सेटो को मार देता है फेल्योर के प्राइस का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। बर्ड वन एक अमेरिकन स्पेस कैप्सूल में बंद हो जाता है और यूएस फोर्सेस सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर अटैक का लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस बीच तनाका के निंजा बेस के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका पता लगा लिया जाता है और उन पर फायर करते हैं। बॉन्ड ब्लोफेल्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है, निंजास को अंदर आने देता है। बैटल के टाइम तनाका ने अपने शौरिकेन से ब्लोफेल्ड को डिसार्म करने के बॉन्ड को बचाया। बॉन्ड कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए फाइट करता है, ब्लोफेल्ड के बॉडीगार्ड हांस को मार देता है और अमेरिकन कैप्सूल तक पहुंचने से पहले बर्ड वन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही अमेरिकन्स ने अपनी अपनी फोर्स हटाई, ब्लोफेल्ड बेस के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और भाग जाता है। बॉन्ड किसी तरह का और बचे हुए निंजास इरप्शन बेस को डिस्ट्रॉय करने से पहले चले जाते हैं और जापानीज मैरीटाइम फोर्सेस और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विसेस उन्हें पकड़ लेते हैं। मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी लगी, सीरीज ही अच्छी है, स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज रहती है। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बहुत सारे मूवीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।